Hello students, good morning. Class 7th, exercise 2.7. Question number 1st, I have done it. Now, let's see question number 2. All questions are the same. Like you said, we have to remove decimals first, then divide and multiply, then convert the previous number to reciprocal. Three things are coming. We have to focus on three things. So, look, our second question is, second pe likha hua hai, find फर्स्ट पार्ट है 4.8 डिवाइड बाय 10. तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि हमें क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है. सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या रहेगा, डेसिमल्स को रिमूव करना. कितना आ गया, 48 अपॉन में 10. फिर नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना. क्या रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना. और उसके बाद थर्ड काम हमारा क्या रहेगा कि पिच थर्ड डिवाइड के बाद जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल. तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 1/10. सो ये हो गया 48/100. और इसको डेसिमल्स वापस से लगाएंगे तो 20 है तो 2 नंबर से पहले हमारा क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा. तो 8 और 4 48 है, दो नंबर से पहले इनकी 0.48. तो सबसे पहला काम है, तीन काम पे आपको फोकस करना है. फर्स्ट काम आपका क्या रहेगा कि सबसे पहले हमें डेसिमल्स को रिमूव करना है, ठीक है. उसके बाद हमारा सेकंड काम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखना है. उसके बाद थर्ड काम हमारा जो डिवाइड के बाद जो नंबर है, डिवाइड के बाद जो नंबर है, पहले वाले को नहीं बाद में जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल करना है, यानी मींस उसका उल्टा करना है. तो देखिए इसका एक पार्ट और, थर्ड पार्ट देखिए इसका, 0.7 डिवाइड बाय 10. 0.7 डिवाइड बाय 10. तो अपने फोकस करो, फर्स्ट डेसिमल रिमूव करना, डेसिमल रिमूव करेंगे 7/10. सेकंड डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया. थर्ड पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल मींस 1/10. कितना गया, 7/100 इज इक्वल टू दो नंबर से पहले इनकी 0.07. ओके, उसके बाद देखिए आपका एक और क्वेश्चन, इसमें फिफ्थ पार्ट जो बच गए वो आपको खुद सॉल्व करने हैं. मैं हर क्वेश्चन से तीन पार्ट आपको करवाऊंगी, ठीक है. उसके बाद देखिए आपका सेकंड का फिफ्थ पार्ट, 272.23. और पॉइंट के बाद हमेशा हम सिंगल सिंगल डिजिट बोलते हैं, कॉम्बिनेशन में नहीं बोल, 23 नहीं बोलेंगे, 272.23 नहीं बोलेंगे, 272.23, ठीक है, 272.23. हर अलग अलग नंबर बोला जाता है, आप चाहे कितने भी नंबर लिखे हो लेकिन उसको हर डिजिट में अलग अलग डिजिट में ही बोलना है उसको. और डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना हमें 10 से. सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, डेसिमल रिमूव करना. आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, कितने नंबर है हमारे पास, 1, 2. कितने नंबर है, 2 नंबर. इसका मतलब 1 के बाद कितने जीरो लगेगी, हमारी 2 जीरो लगेगी. सो 272.23 अपॉन में 100. उसके बाद डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, उसके बाद इन पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 1/10. सो 272.23 अपॉन नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई 1000. अब कहां लगेगा हमारा डेसिमल, कहां लगेगा, 3 जीरो है तो 3 नंबर से पहले. तो ऊपर वाला नंबर हम एज इट इज लग देते हैं. और कितने नंबर से पहले लगाना है, पीछे से काउंट करते हैं, 1, 2, 3. 27.223, ठीक है. तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन. इसी तरीके का आपका है थर्ड क्वेश्चन. इसी के जैसा ही आपका सेम है थर्ड क्वेश्चन. इसमें हम डिवाइड कर रहे थे 10 से, उसमें हमें डिवाइड करना है 100 से. सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट पार्ट. देखिए इसका 2.7 डिवाइड बाय 100. सबसे फर्स्ट काम आपका क्या आएगा, डेसिमल को रिमूव करना. क्या करोगे, डेसिमल को रिमूव, डेसिमल को रिमूव करो, 27/10 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल. कितना आ गया, 27/1000. कितने नंबर से पहले लगेगा, 1, 2, 3. देखो हमारे पास ही तो 2 ही नंबर, एक जीरो लगाएंगे अब कितने हो गए, 1, 2, 3. इससे पहले हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है. उसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 432.6 डिवाइड बाय 100. तो कैसे करोगे, इसमें वही डेसिमल रिमूव, 432.6 अपॉन में 10 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल. कितना हो जाएगा, 4326 अपॉन में नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.3
थ्री टू सिक्स दोनों तीन नंबर से पहले हमारा पॉइंट लग जाएगा। इसी तरीके के आपके सारे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपका आ गया 1000। फोर्थ में आपका क्या आ गया 1000। अब आपको फोर्थ में करना है 1000 से, पहले 10 से था फिर 100 से और अब आ गया हमारा 10। सेम आपका कोई प्रोसेस उसमें चेंज नहीं है, सेम बिल्कुल है कि पीछे वाले नंबर तो ऐसी चीज लिखा ही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 7.9 डिवाइड बाय 1000, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। सबसे पहला हमारे पास वही तीन चीजों पे फोकस रखना हमें, तो डेसिमल रिमूव करना, डिवाइड को जो है मल्टीप्लाई का चेंज करना और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना। तो कितना आ गया इसको डेसिमल रिमूव करने पर 79/10, इसका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल 1000। सो 79/1234 40। अब हमारा डेसिमल कहाँ लगेगा, फोर नंबर से पहले। इतनी हमारे पास टू नंबर तो है, तो 20 और लगाएंगे कितना हो गया, अब फोर और पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो गया 0.0079। फोर नंबर हमें पहले कंप्लीट करने है जीरो लगा करके और उसके बाद हमें उसको पॉइंट लगाना है। आप देखिए इसका है थर्ड पार्ट, देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 38.53 डिवाइड बाई 1000। तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करो, 100 आएगा नीचे, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल 1000। तो कितने आ जाएंगे 3853, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, वन लिख के जितने जीरो उतने, तीन जीरो इसमें, दो जीरो इसमें, कितने हो गए 5 जीरोस हो गई आपकी, तो 5 जीरो लगा दो वन के पीछे। अब हमारा डेसिमल कहाँ लगेगा, 5 नंबर से पहले। सबसे पहले देखो हमारे पास ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखते हैं, अब इसमें कितने नंबर है 1 2 3 4 और पॉइंट हमें कहाँ लगाना है 5 नंबर से पहले, इसका मतलब हमें इसको पहले कंप्लीट करना पड़े। अब इसमें 5 हो गए, उससे पहले हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। एक क्वेश्चन और देखिए इसका फोर्थ पार्ट, सेम ऐसा ही है 128.9 अपॉन यहाँ से आ जाएगा आपका डिवाइड 1000 से करना है, तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर वाला नंबर एज इट रहता है, नीचे वाले नंबर में वन लिख के जितनी जीरो है दोनों साइड में उतनी जीरो लगा देंगे। तो क्या हो गया 128.9 अपॉन में 10 डिवाइड किसने मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल। सो 1289 40 है तो 40 लगा देंगे और 4 से पहले पॉइंट, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 1289 है तो 4 से पहले हमारा पॉइंट लग जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए इस, अब तक आपने पढ़ा है कि डिवाइड के बाद हमारे पास 10, 100 और 1000 थे। अब आप पढ़ोगे, अब तक आपने पढ़ा है डिवाइड से पहले पॉइंट होते, डिवाइड से पहले डेसिमल वाले नंबर होते थे, अब मिलेंगे आपको डिवाइड के बाद। अब कहाँ मिलेंगे, डिवाइड के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो वही सबसे पहले डेसिमल का रिमूव करना ही आएगा हमारा इसमें भी। तो देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइड बाई 3.5, तो सबसे पहले क्या करोगे नंबर आगे वाला नंबर एज इट इज। ठीक है, सबसे पहले हमें डेसिमल को रिमूव करना है, चाहे वो आगे लिखा हो चाहे पीछे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितना आएगा 35/10। अब ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, अब 7 तो एज इट इज, फर्स्ट नंबर तो एज इट इज, कोई चेंज ही नहीं करना है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 10/35। अब करता है तो काट दो 7 की टेबल में, 7 1 7 7 5 35 5 5 5 5 10। तो आगे वाले नंबर का हमें कुछ नहीं करना है, इसमें जब पॉइंट ना हो तो फिर क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देंगे। देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं करवा रही हूँ इसमें आपका थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3.25 डिवाइड बाई 0.5। देखो दोनों साइड हमारे पास क्या है डेसिमल, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोनों साइड के डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 325/100 आ जाएगा एंड डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन। सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव कर लेते तो उसके बाद डिवाइड को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/10। अब हम क्या करेंगे डेसिमल को रिमूव, सॉरी डेसिमल तो रिमूव हो गया, अब डिवाइड किसका साइन कर देंगे मल्टीप्लाई का और पीछे वाले नंबर का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। 325/100 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल 10/5 करता है तो काट दो 10 से 10 कैंसिल हो गई और 5 से 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25 तो 65/10। अगर नीचे आपके इस टाइप के नंबर आ रहे 10, 100 तो उसको एज इट इज रहने दो क्योंकि वो कटेगा नहीं पूरा,
तो क्या आ जाएगा यहाँ से 6.5, कितना आंसर आ गया इसका 6.5। एक और पार्ट देखिए इसका, सेवंथ पार्ट देखिए, 7.65 डिवाइड बाय 0.15, 76.5 डिवाइड बाय 0.15। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, तो इसे माइंड में सेट कर लो इस चीज को कि डेसिमल को रिमूव करना। डेसिमल रिमूव करो, दोनों साइड है तो दोनों साइड से डेसिमल रिमूव होगा, इस साइड से भी कर दो डेसिमल रिमूव, इस साइड से भी। अब डिवाइड है तो डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई पीछे वाले नंबर को चेंज करना है। सो 7.65 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 15, सो जीरो से जीरो आपकी कैंसिल हो गई। काट दो यहाँ से 15, 5 3 15, 5 2 10, और 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 3 5 15, और 2 कितना आ गया, 2 5 5 इंटू में 2, इसको मल्टीप्लाई 2 5 10, 2 4 10 11, 2 2 4 5 510। सबसे पहले क्या किया, डेसिमल्स को रिमूव किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल किया, फिर सारे नंबर कट रहे तो काटने। अगर आपका सेम टेबल में आ रहा कट रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपने पढ़ी थी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में वो लेके जितना कट रहा है उसे हमें काटना है। लेकिन अगर आपका नीचे 10 100 बच जाते हैं तो उसको आप कट मत करो, उसको सीधा पॉइंट लगा दो, वो इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इससे का, सिक्स्थ क्वेश्चन। फिर आपके पास ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को, तो आप ये चैप्टर आज फिनिश। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में है, मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिख रही, मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता रही, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी। इसमें लिखा है, सॉरी, ए व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल है वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है 43.2 किलोमीटर, देखो डिस्टेंस कवर कर रहा है 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2.4 लीटर पेट्रोल में। तो आपको ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में 2.4 लीटर में वो कितने कर रहा है, 43.2 किलोमीटर कर रहा है। अब 1 लीटर में बताना है, तो 1 में कम करेगा ज्यादा करेगा, कम करेगा, कम करेगा ना भाई, 2.4 में वो इतनी कर रहा है तो 1 लीटर में तो कम करेगा, तो 1 लीटर के जब कम करना होता है हम क्या करते हैं, डिवाइड। ज्यादा से कम में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं, कम से ज्यादा में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसमें लिखो, व्हीकल कवर अ डिस्टेंस इन 2.4 लीटर इज इक्वल टू, लिखेंगे व्हीकल की स्पेलिंग देखें, VEHICLE, a vehicle covers a distance, कितने का दे रखा है, 2.4 लीटर, 2.4 लीटर में कितना कर रहा है वो, 43.2 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 43.2 किलोमीटर। तो आपको बताना एक लीटर में कितना करेगा, तो a vehicle, vehicle covers a distance इन 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना कर देगा वो, 43.2 डिवाइड करेंगे 2.4 से, तो वो ही हमें सेम चीज आ जाएगी, क्या करना है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो डेसिमल को रिमूव करना, हमारा हो गया दोनों साइड से डेसिमल रिमूव। अब हमारा नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल। तो 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, इसको काटो कितना कटेगा, यहां से देखो 2 से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12। अब देखो 12 से कट जाता है सीधा, 12 बन जा 12 और 12 8 जा 96, 12 बन जा 12 और 12 8 जा 96, तो कितना आ गया 18। कितना करेगा वो, 18 किलोमीटर। सो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा वो, 18 लीटर। तो इसी के साथ आपका जो है सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, 18 किलोमीटर से सेकेंड चैप्टर कंप्लीट। कल हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।